हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं आप सभी का अपनी आज के इस वीडियो के अंदर, जिसमें कि हम लोग बात करने वाले हैं वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के बारे में। गाइस, आप लोगों ने मेरी उस वीडियो जो कि वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के ऊपर थी, उस पर आप लोगों ने कई सारे कमेंट्स किए हैं, जिसमें आप लोगों ने अपने कुछ डाउट्स का क्लैरिफिकेशन मांगा है। मैंने सोचा कि उससे रिलेटेड एक वीडियो ही क्यों ना बना दी जाए, सो दैट आपके साथ साथ बाकियों का भी फायदा हो। जो जिन लोगों को उन क्वेश्चन से रिलेटेड डाउट्स है, कन्फ्यूजन है उनके माइंड में, उन सभी को भी आंसर मिल जाए उन क्वेश्चन का। ओके, यहाँ पे जो पहला कमेंट है वो है मिस्टर चेतन सालंखे का, और वो पूछते हैं वंस इट अप्लाइड कैन आई कैंसिल दिस VPF scheme, I want to cancel, can you do? So, यहाँ पे ये basically ये पूछना चाहते हैं कि अगर एक बार VPF के लिए opt कर लिया, तो क्या उसको discontinue कर सकते हैं? तो यस चेतन जी, आप बिल्कुल डिसकंटिन्यू कर सकते हो, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, आप फाइनेंशियल ईयर के मिड में कभी भी डिसकंटिन्यू नहीं कर सकते। आपको फाइनेंशियल ईयर के एंड होने का वेट करना पड़ेगा। जैसे ही फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, आप उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हो, या अगर चाहो तो रिड्यूस रेट पे कंटिन्यू कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रनाथ जी का, और वो पूछते हैं Employee who are not contributing as their pay is above 15,000, can they are eligible for VPF? तो यहाँ पे इंद्रनाथ जी ये पूछना चाहते हैं कि वो employees जिनका basic salary 15,000 से ज़्यादा है, मतलब कि वो लोग eligible अगर नहीं है PF के अंदर, EPF के अंदर, तो क्या वो लोग VPF के लिए apply कर सकते हैं? क्या वो लोग VPF में contribute कर सकते हैं? तो इंद्रनाथ जी, बिल्कुल वो लोग VPF के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, VPF के लिए ऑप्ट आउट कर सकते हैं। VPF जो है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड है, राइट? तो वो इंप्लॉयज भी जो कि EPF के लिए एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर वो कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, VPF ऑप्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल कर सकते हैं अपने रीजनल कमिश्नर को इन्फॉर्म करके, और ये इन्फॉर्मेशन की जिम्मेदारी उनके HR की होती है। तो यस, कर सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वो इंप्लॉय जो कि EPF के तहत एलिजिबल नहीं है, वो सिर्फ VPF में ही कंट्रीब्यूट करेंगे। EPS Employees Pension Scheme में वो eligible नहीं होंगे, उसमें वो contribute नहीं कर सकते। Next question है महेश चौधरी जी का, वो पूछते हैं basic 15,000 से ऊपर हो तो PF कटना बंद हो जाता है क्या? तो महेश जी, 15,000 से ऊपर अगर बेसिक चली जाती है तो PF कटना बंद नहीं होता है। अगर आप ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग EPF मेंबर हो, और ड्यूरिंग योर मेंबरशिप अगर आपकी सैलरी बढ़ने की वजह से आपका बेसिक बढ़ जाता है, तो उस केस में आपको PF से निकाला नहीं जाता है। EPF का सिंपल सा एक फंडा है, वंस अ मेंबर ऑलवेज अ मेंबर टिल द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट। यानी कि एक बार अगर आप EPF के मेंबर बन गए, तो आपके रिटायरमेंट एज तक आप मेंबर रहोगे, इरिस्पेक्टिव ऑफ योर बेसिक वेज कि वो कितना चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरत दलाल जी का, वो पूछते हैं अमाउंट पीएफ पासबुक में शो करेगी? तो यस भरत जी, अमाउंट पीएफ पासबुक में आपका शो करेगी। वीपीएफ के लिए कोई ऐसा सेपरेट कॉलम आपको नहीं मिलेगा, जिसमें आपको ईपीएफ का बैलेंस मिलता था, वहीं पे आपको वीपीएफ का भी कंट्रीब्यूशन दिखेगा। यानी कि ईपीएफ के कॉलम में ही आपको बढ़ के कंट्रीब्यूशन दिखेगा वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का, कोई सेपरेट कॉलम नहीं मिलने वाला आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनी मिश्रा जी का, वो पूछती हैं क्या वीपीएफ अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं? यस अनी जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का जो है 5 साल का मैच्योरिटी पीरियड होता है, और अगर आप 5 साल से पहले पैसा विड्रॉ कर रहे हो, तो वीपीएफ के रूल्स के हिसाब से उस पर TDS कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौरव वी जी का, वो पूछते हैं द इंटरनेट इज अर्न ऑन, अच्छा द इंटरेस्ट इज अर्न ऑन फुल कॉन्ट्रीब्यूशन, और इज देयर एनी लिमिट अप टू विच इंटरेस्ट इज गिवन? उनका अगला क्वेश्चन है सिमिलरली फुल इंटरेस्ट अर्नड इन 1 ईयर इज टैक्स फ्री और एनी लिमिट? तो गौरव जी यहाँ पे पूछना चाहते हैं कि जो इंटरेस्ट देता है ईपीएफओ वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड में, उसका कोई लिमिट है, या टोटल जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हो उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है? तो गौरव जी, टोटल अमाउंट पे ही आपको इंटरेस्ट मिलता है, ऐसा कोई अपर लिमिट नहीं सेट किया है। जो भी इंटरेस्ट रेट ईपीएफ का है, उसी इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपका टोटल जो वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड का कॉन्ट्रीब्यूशन है, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। उनका नेक्स्ट सवाल था सिमिलरली फुल इंटरेस्ट अर्न इन 1 ईयर इज टैक्स फ्री और एनी लिमिट? नाउ ये क्वेश्चन जो है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो गाइज, अभी तक तो जो भी इंटरेस्ट बनता था, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड हो या ईपीएफ कंट्रीब्यूशन हो, वो टोटल इंटरेस्ट टैक्स फ्री होता था। लेकिन अब नए फाइनेंशियल ईयर से अगर आपका एनुअल कंट्रीब्यूशन 2.5 लाख या 2.5 लाख से ऊपर जाता है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट फ्री टैक्स का जो बेनिफिट था वो खत्म हो जाएगा, यानी आपके इंटरेस्ट पे TDS कटेगा। और एक चीज, अगर आपका वो 2.5 लाख से नीचे का कंट्रीब्यूशन रहता है, तो अभी भी वो टैक्स फ्री ही रहेगा, आपका टोटल जो इंटरेस्ट अर्न किया आपने वो टैक्स फ्री ही रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंद्रशेखर जी का, और वो पूछते हैं इज देयर एनी सेपरेट अकाउंट फॉर वीपीएफ और सेम ईपीएफओ अकाउंट? तो यस चंद्रशेखर जी, वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड के लिए कोई सेपरेट अकाउंट नहीं होता, ईपीएफ के ही अकाउंट में आपका वीपीएफ का भी पैसा जाता है।
अगला क्वेश्चन है प्रीति जावीर जी का, और वो पूछती हैं, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन, व्हाट इफ द वीपीएफ अमाउंट इज नॉट डिपॉजिटेड इन ईपीएफ अकाउंट, टू हूम शैल वी कॉन्टैक्ट इन सच केसेस। तो प्रीति जी, यहाँ पे ये नॉर्मली ऐसा नहीं होता है, अगर कंपनी आपका डिडक्ट कर रही है वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड या पीएफ तो वो कंट्रीब्यूट भी जरूर करते हैं, लेकिन अगर आपके केस में अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उस केस में आपको अपने डायरेक्ट जाके एचआर से या जो भी पर्सन जो डिडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उससे बात करनी चाहिए और उनसे पूछना चाहिए कि कंट्रीब्यूशन जमा क्यों नहीं हो रहा है। अगर वहां से आपको कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं मिलता है तो उस केस में आप जाके अपने रीजनल प्रोविडेंट फंड ऑफिस में कंप्लेन कर सकते हैं कि आपका जो है डिडक्शन हो रहा है लेकिन कंट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। अगला क्वेश्चन है रवि पवार जी का, और वो पूछते हैं, आई एम स्विचिंग जॉब बट न्यू एम्प्लॉयर इज नॉट प्रोवाइडिंग ईपीएफ, इन सच केस कैन आई कीप माय करंट ईपीएफ अकाउंट एक्टिव बाय ऑप्टिंग वीपीएफ। तो रवि जी, ये क्वेश्चन बहुत ही अजीब है, बिकॉज अगर आप ईपीएफ में एक बार एनरोल हो चुके हो तो आपके नए एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपको उस कंपनी में भी ईपीएफ के अंदर एनरोल करें, राइट। ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आपको ईपीएफ में रखना है या नहीं रखना है। अगर आप पहले एक बार मेंबर बन चुके हो ईपीएफ के तो एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन नहीं है और उनको आपको रजिस्टर करना ही पड़ेगा ईपीएफओ के अंदर, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने रीजनल पीएफ ऑफिस में जाके इस बात की कंप्लेंट कर सकते हो, बट ऐसा ज्यादातर एम्प्लॉयज नहीं करते बिकॉज उनको अपनी जॉब कंटिन्यू रखनी होती है। यहाँ पे आप ये पूछ रहे हैं, अगर ईपीएफ में वो नहीं दे रहे तो क्या वीपीएफ में कॉन्ट्रीब्यूट करके आप अपना वो कंटिन्यू रख सकते हो? तो रवि जी, ऐसा सिंपल सा है कि आपको ईपीएफ में आप थे तो ईपीएफ के लिए एलिजिबल हो, यानी ईपीएफ में ही आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। उसमें पहले आपको ईपीएफ में रजिस्टर करना पड़ेगा, फिर उस ईपीएफ को आप वीपीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विकास उपाध्याय जी का, और वो पूछते हैं, कैन आई रिड्यूस माय वीपीएफ कंट्रीब्यूशन, अर्लियर इट वाज 12,000, नाउ आई वांट टू कंट्रीब्यूट ओनली 6,000, कैन आई डू सो? तो यस विकास जी, आप कर सकते हैं, बट अगेन ये चीज आप रखिएगा, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के बीच में आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। जैसे आपका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट हो जाए तब आप अप्लाई कर सकते हो अपना रिड्यूस्ड कंट्रीब्यूशन के लिए। ऑलराइट, तो गाइस ये थे आप लोगों के क्वेश्चन जिनका मैंने आंसर किया है इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें सो दैट उन सभी तक ये वीडियो पहुंचे जिन लोगों को इसकी जरूरत है। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होने वाली है वो होने वाली है ईएसआई से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस के ऊपर, तो स्टे ट्यून्ड, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।